अफजल अहमद सैयद साहब जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सब आ गए? सब आ गए? जी जी जी। दरवाजा अगर सब आ गए हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा डरने सा इसलिए क्योंकि मैं डरता हूँ अपने आसपास की चीजों को छूकर शायरी बनाने से, अपने आसपास की चीजों को छूकर शायरी बना देने से। रोटी को मैंने छुआ तो भूख शायरी गोलियां चाकू से कट गई और खून शायरी। तकिए पे मैंने सर रखा तो नींद शायरी बन गई। होठों पे प्यार से जुबान रखी तो अल्फाज शायरी बन गए। गिलास हाथ से गिरकर छूट गया और कई नज़मे बन गई। मैं डरता हूँ अपने से थोड़ी दूर की चीजों को देख शायरी बन गई। दरख्त को मैंने देखा तो छांव बादल खाने की तरफ एक निगाह डाली तो खुला शायरी बन गया। छत से नीचे एक नजर डाली तो सीढ़ियां शायरी बन गई। मैं डरता हूँ अपने से बहुत सी दूर की चीजों को सोच कर शायरी बन गई। आने वाले कल के बारे में सोचा तो वक्त शायरी, बीते सावन के बारे में सोचा तो बहलाती फसल है। दिल की एक कसक को बड़े इत्मीनान से सोचा तो आंसू शायरी। ताजमहल के इतिहास के बारे में सोचा तो यमुना रुबाई बन गई। मैं डरता हूँ तुम्हें छू कर एक सोच शायरी बना। धन्यवाद।